सारते जय जय दाऊद के पुत्र को खजूर फरते ओढ़ न पसारते प्रभु येसु प्रवेश करता है आप सभी ख्रिस्त विश्वासियों को हार्दिक जय यीशु और इस पवित्र युक्रिस्त समारोह में जिसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की इस परिस्थिति में अपने सामान्य भक्ति को जो हर साल दिखाते हैं तादाद संख्या में समारोही पवित्र मिश्र बलिदान में भाग लेकर के वह संभव नहीं है और हम सभी अपने अपने घरों में ही आज के इस पर्व को केवल मनन चिंतन के माध्यम से पालन कर रहे हैं। यह जो सीधा प्रसारण के माध्यम से पवित्र युक्रिस्त समारोह आप देख पा रहे हैं यह सच्चे युक्रिस्त समारोह का स्थान नहीं ले सकता है। हालांकि यहाँ जो हम मिसा बलिदान चढ़ा रहे हैं ये तो सही है, ये असल है, लेकिन आप जो देख पा रहे हैं वह आपके लिए इस मिसा बलिदान का प्रतिरूप नहीं है, उसका स्थान कभी भी नहीं ले सकता है। आपको केवल इतनी सुविधा देता है कि आप अपने परिवार के अपने घरेलू काम काजों से थोड़ा सा मुक्त होकर के हो सकता है अपने मोबाइल के स्क्रीन के पास अपने लैपटॉप के स्क्रीन के पास इस विधि को मनन चिंतन के साथ में आप फॉलो कर सकते हैं, इसका साथ दे सकते हैं। कम से कम ये कुछ पल आप ईश्वर के साथ में जुड़े हुए बिता सकते हैं और मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं। तो आइए आपके इस सहभागिता में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की इस धर्म विधि को हम लोग शुरू करते हैं जो अन्य वर्षों की तरह बहुत समारोही नहीं हो पाएगा, जुलूस नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग मन ही मन एक आत्मिक जुलूस एक आत्मिक रूप में प्रभु यीशु का आज हम विशेष स्वागत करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे उनके इस बहुत ही विशेष प्रवेश यात्रा में। बेथनी से यरूशलेम की ओर उनका यह जाना एक बहुत ही निश्चित बहुत ही दृढ़ संकल्प वाली यात्रा रही। उस यात्रा में आइए प्यारे भाइयों बहनों हम उनका साथ दें और बाकी लोगों की तरह आज भी हम अपने मन दिल में उनकी जय जयकार करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्यारे भाई और बहनों चालीस के आरंभ से ही हम तपस्या और परोपकार के कामों से अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारे विश्व में फैली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु के पास का रहस्य का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्र होते हैं।
इसी दिन ख्रिस्त ने दुख भोगने और मरकर फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस नगर प्रवेश की याद करें तथा उनका अनुसरण करें, जिससे उनके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान तथा महिमामय जीवन के सहभागी बन सकें। आइए हम सर्वप्रथम खजूर की डालियों पर आशीष दें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर की इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश कर सकें, जहां वे युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। जब प्रभु पवित्र नगर में प्रवेश कर रहे थे, यहूदी बालक जीवनदाता के पुनरुत्थान की घोषणा करते हुए खजूर की डालियां लिए पुकारने लगे, स्वर्ग में प्रभु की जय। यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम आ रहे हैं, लोग उनसे मिलने निकले और खजूर की डालियां लिए पुकारने लगे, स्वर्ग में प्रभु की जय। आइए अब हम आज के धर्म विधि का यह पहला सुसमाचार ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 11। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए, तो यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी और उसके साथ एक बछेड़ा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना प्रभु को इनकी जरूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर बछड़े पर लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया। गधी और बछड़ा ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया
तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाजरेत के नबी यीशु हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम लोग आज के इस समाचार में चर्चित घटना में कुछ विशेष बिंदुओं को पाते हैं। उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना हम लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हम लोग खजूर की डालियां काटे जाने, यीशु के मार्ग पर बिछाए जाने की बात पाते हैं। लोगों के द्वारा होसान्ना होसान्ना पुकारना ये पाते हैं, और गधी के बछड़े पर यीशु के सवार होने वाली बात को हम पाते हैं। खजूर की डालियां, फलिस्तीन देश कुल मिलाकर के रेगिस्तानी देश है। वहां हमारे भारत देश की तरह हर तरफ हरियाली, तरह तरह के पेड़ पौधे शायद ही देखने को मिलेंगे। और इस रेतीली भूमि में यहां वहां अगर कुछ पेड़ दिखाई देंगे तो प्रायः कंटीले झाड़ी, खजूर के पेड़ और कुछ अन्य गिने गिने पेड़। तो जिस क्षेत्र में केवल खजूर की डालियां ही ज्यादा मिलती हैं, तो लोगों का खजूर की डालियों को तुरंत काट करके यीशु के स्वागत हेतु उनके रास्ते में बिछा देना, ये बिल्कुल स्वाभाविक था, बिल्कुल स्वाभाविक था। यीशु ने तो पहले से बता करके नहीं रखा था कि वे फलाने दिन फलाने समय में बेथनी से यरूशलेम जाएंगे और घोड़े गधे पर सवार होके जाएंगे। इस प्रकार की घोषणा लोगों तक पहुंची नहीं थी, बताया नहीं गया था। यहां तक कि अपने चेलों को थोड़े समय पहले ही उसने बताया, उनको कहा बेतफगे जब पहुंच रहे थे तो जाओ फलाना गांव में जाओ, तुमको वहां ऐसा वैसा मिलेगा, कोई पुरुष पानी लाने जाता हुआ दिखाई देगा, उससे कहना कि हमको ऐसी जरूरत है, और बगल में गधी बांधी भी मिलेगी, उसके साथ बछड़ा होगा, प्रभु को इसकी जरूरत है, बाद में लौटा देंगे, ऐसा कहना। और ऐसा ही हुआ, चेलों ने वैसा ही किया। ये पहले से जान सकने वाली घटना नहीं थी, इसकी चर्चा नहीं हुई थी। अचानक में शायद यीशु के मन में तो ये था, लेकिन बाकी लोगों के लिए, चेलों के लिए भी ये अचानक वाली यात्रा थी। उस अचानक वाली यात्रा में ही सही, जब लोगों ने यीशु को गधे पर सवार होकर के जाते देखा बेथनी से यरूशलेम की ओर, उन्होंने उसके स्वागत में यूं ही जो दिखाई दिया अगल बगल में डालियां काट करके उसके रास्ते में बिछा दिए। और कुछ कुछ लोगों ने तो जो कुछ फालतू कपड़ा भी ओढ़े हुए थे अपनी चादर को उन्होंने रास्ते पे बिछा दिया, यीशु का स्वागत करने के लिए, उसके प्रति अपनी भक्ति अपना आदर दिखाने के लिए। तो खजूर की डालियां उस क्षेत्र के लिए मामूली बात है। यहां तक कि यूनान देश में, ग्रीस में एक समय हुआ करता था
खेल कूद की प्रतियोगिता में जीतने वाले को खजूर की डालियों का मुकुट किरीट पहनाया जाता था। तो ये बहुत ही प्रचलित अभ्यास था। पुराने देवस्थान में भी हम लोग लेवी ग्रंथ के 23वां अध्याय 40 पद संख्या में, पहला मकाबी ग्रंथ में 13वां अध्याय के 37वां पद संख्या में खजूर की डालियों का जिक्र पाते हैं। नए व्यवस्थान में इस सुसमाचार के अलावा प्रकाशना ग्रंथ में 7वां अध्याय के 9वें पद संख्या में खजूर की डालियों का हम जिक्र पाते हैं। यानी खजूर की डालियां ये प्रचलित अभ्यास के चिन्ह रही। दूसरा, होसान्ना, ये जय जयकार। इस शब्द का माने होता है प्रभु हमारा उद्धार कर। ये एक साथ उल्लास ध्वनि भी है और विनम्र प्रार्थना भी है। एक ही पुकार में, एक ही जय जयकार में उल्लास खुशी भी प्रकट हो रही है और एक तरफ विनम्र प्रार्थना। यानी उसको उस अर्थ में अनुवाद किया जाए तो उसका अर्थ होगा प्रभु ने हमें बचाया, उनकी जय हो, वही प्रभु हमारी रक्षा करे। प्रभु ने हमें बचाया, उनकी जय हो, वही प्रभु हमारी रक्षा करे। तीसरा बिंदु, गधी के बछड़े। ये क्या दिखाता है? गधा तो आम सवारी हुआ करता था, आम सवारी, और कोई उस पर सवार होकर के कहीं जाता भी था और कुछ बोझ लाद करके कहीं लेना लाना होता था तो ट्रांसपोर्ट का काम भी गधा करता था, ये आम बात थी। लेकिन आज यीशु जब गधे पर सवार होकर के जा रहे हैं तो उनको राजा कह करके उनकी जय जयकार हो रही है। ये थोड़ा बेतुकी लगने वाली बात है। राजा लोग तो गधे पर नहीं घोड़े पर सवार होते हैं। लेकिन क्यों यीशु गधे पर सवार होकर जाते हैं? इतना होते हुए भी उसको राजा दाऊद के पुत्र, राजा की होसाना हो रही है। ये गधी के बच्चे या बछड़े पर यीशु का सवार होना एक विशेष सच्चाई का सूचक है, द्योतक है। जैसे मैंने कहा, घोड़े पर सवार होकर के राजा तो आता है, लेकिन ये राजा गधे पर सवार होकर के आ रहा है। हम लोगों ने आज के इस समाचार में नबी जकरिया से उद्धृत अंश को सुना, सियोन की पुत्री आनंद मना, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। यानी ये जो गधा है शांति का सूचक है, विनम्रता का प्रतीक है, जबकि घोड़ा युद्ध का प्रतीक है और हो सकता है घोड़ा घमंड का भी द्योतक है। तो यहां पराक्रम और विनम्रता, युद्ध और शांति दोनों के बीच विपरीत अभास अर्थ हम पाते हैं। घोड़े पर सवार होने वाला दूसरों का खून बहा करके, दूसरों पर वार करके, दूसरों की क्षति पहुंचा करके विजय हासिल करता है। लेकिन गधे पर सवार राजा, विनम्र राजा ऐसा नहीं करता है बिल्कुल, बल्कि वह स्वयं दूसरों का बोझ
अपने कंधे पर उठाता है। वह बोझ बनने वाला नहीं, बोझ लादने वाला नहीं, लेकिन दूसरों का बोझ अपने कंधे में लेने वाला राजा है। और इसीलिए संत मत्ती के सुसमाचार के 11वां अध्याय के 25 पद संख्या में हम उन्हें यह कहते हुए सुनते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी हमारा बोझ वो अपने ऊपर ले लेंगे और हमें विश्राम देंगे, हमें शांति देंगे। और ये राजा पराक्रम से नहीं, तलवार से नहीं, घोड़े पर सवार होकर के नहीं, बल्कि अपने शब्द रूपी डंडे से अत्याचारियों और कुकर्मियों को सही करने वाला शांति के राजकुमार हैं, जैसे नबी इसाईस के ग्रंथ में 11वां अध्याय पद संख्या 2-4 में हम पाते हैं। और उसी तरह शोषितों पर रखा हुआ भारी जुआ अपने कंधों पर लेने वाले ये राजा हैं, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी और अत्याचारी डंडे को तोड़ने वाला सुदृढ़ उद्धारक राजा है ये राजा, नबी इसाईस अध्याय 9 पद संख्या 3 कहता है। लेकिन इस राजा को बहुत से लोगों ने नहीं पहचाना, और यही बात हमने आज के सुसमाचार के अंतिम वाक्य में पाया। यरूशलेम जब पहुंच गए यीशु इस यात्रा में, यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई, लोग पूछने लगे, यह कौन है? सवाल उठ रहा है, इस राजा को, अजीबोगरीब राजा को जो गधे पर सवार होकर के आ रहा है, लोग उसको जय जयकार कर रहे हैं, दाऊद के पुत्र राजा की होसाना कर रहे हैं, तो लोगों के मन दिल में सवाल उठ रहा है, ये कौन है? और यही सवाल शायद हम अपने लिए पूछ सकते हैं, हमारे लिए यीशु कौन है? हम किस प्रकार के यीशु को जानते हैं, खोजते हैं, मानते हैं? हम लोग जो अपने को ख्रीस्त के अनुयायी कहते हैं, ख्रिस्तान कहते हैं, क्या हम केवल पेंटिंग वाले यीशु को जानते हैं? क्या हम चित्र में दिखाई देने वाले यीशु को जानते हैं, या वीडियो में दिखाई देने वाले यीशु को जानते हैं? ना हमारे उन तमाम भाई बहनों में जो दुख में हैं, तंगी हालत में हैं, परेशान हैं, कई प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, उनमें हम यीशु को पाते हैं। हम उन कुरूप चेहरों में जो अपनी परेशानियों के कारण, तंगी हालत के कारण आवाज भी दब गई है, उनके गले से फटी आवाज निकलती है अथवा चीख निकलती होगी, क्या हम ऐसे लोगों में यीशु को पाते हैं? यीशु उस प्रकार के लोगों में, अपनी नम्रता में, अपनी विनम्रता में उनमें है, उनके चेहरे में हम यीशु को पहचान सकें तो शायद हम सही राजा को जानते हैं, मानते हैं, उसको पाते हैं। हम लोगों के लिए दूसरा कोई राजा नहीं है, बल्कि वही नम्र राजा, न्यायप्रिय राजा एवं न्यायपूर्ण राजा, दया और शांति देने वाला राजा। आज तो हमने संत मत्ती के अनुसार लिए गए सुसमाचार को सुना, अगले वर्ष हम लोग इसी घटना को संत लूकस के अनुसार सुनेंगे, जिसमें संत लूकस इस घटना को बताते हुए जिक्र करते हैं कि कुछ फरीसियों ने यीशु को मना किया था, उन्होंने कहा था यीशु से, अपने शिष्यों को डांटिए, होसाना गाने से मना करने बोल रहे थे। उत्तर में यीशु ने कहा था, संत लूकस बताते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, यदि आज वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल उठेंगे। शायद आज पत्थर प्रकृति का एक द्योतक है, प्रकृति
आज शायद बोल रही है इस कोरोना के माध्यम से। इस कोरोना ने कितने शक्तिशालियों को आज घुटने के बल गिरा दिया है। बड़े बड़े हथियार, नए नए टेक्नोलॉजिकल वेपन, तरह तरह के बॉम्ब, सब बेकार हैं, सब विफल हैं। आज ऐसे ऐसे महादेश जिनमें मिलिट्री शक्ति बहुत है, वहां भी कोरोना का ऐसा प्रकोप है कि सब कोई घुटने के बल पर है। आज सबको अपना घमंड चूर होते हुए ग्रहण करना है, करना पड़ रहा है, और अपनी असलियत को पहचानना पड़ रहा है। अब वे असलियत को, अपनी इंसानियत को पहचानने लगे हैं, ईश्वर को समय देने लगे हैं। शायद ये कोरोना का प्रकोप भले ही जानलेवा हो और हम लोगों को सावधान रहना है, लेकिन हम लोगों की आत्मिक भलाई के लिए भी एक सुंदर मौका है। आइए हम इस सुंदर मौके का सही उपयोग करें। हम मनन चिंतन करते हुए यीशु के उस दुख भोग में प्रवेश करें जहां उसने अपनी इच्छा से, अपनी स्वीकृति से प्रवेश करना चाहा। उसको खुशी थी, वो ना कह सकते थे, यरूशलेम जाने से मना कर सकते थे, लेकिन वे गए, डट करके गए, निश्चय करके गए। जानते थे कि वहां उनके लिए मौत ताक में है। हम लोग भी यीशु के सही चेले हैं, तो यीशु के साथ हम लोग उस यरूशलेम की ओर चलें, उस स्वर्गीय यरूशलेम की ओर चलें, जहां हमें जाने के लिए यीशु का वह दुख वाला रास्ता चलना पड़ेगा। हमें भी अपना अपना क्रूस उठा करके चलना पड़ेगा और उस यीशु को राजा के रूप में हम लोग अन्य लोगों में, विशेष करके दुखी लोगों में, पीड़ित लोगों में, लाचार लोगों में, बीमार लोगों में, आक्रांत लोगों में पहचानने की कोशिश करें। और हमारा यह दुख भोग का समारोह आज और आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ही आत्मिक रूप में लाभदायक सिद्ध हो। अब हम लोग मिसा के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। अतः आइए हम इस मिसा का निवेदन पिता ईश्वर के पास चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे कि मानव को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, नबी इसाईस का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्या 4-7। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रताप मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और तारी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख
नहीं छिपाए। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह करा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु ये रोसारम को गाए, ये रोसारम को गाए। ओ मेरे प्रभु ये रोसारम को गाए, ये रोसारम को गाए। दूसरा पाठ, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है, और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके, तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय स्मरण तक के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़ी थी। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी
यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बारबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदी गृह में था, इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा कर दूं, बरब्बस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को? तो वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस नए आसन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इस बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बरबस को छुड़ाए और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? उन्होंने उत्तर दिया, बरबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरबस को मोक कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उसके पास सारे पलटन एकत्र कर ले। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों का राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्होंने कीरिन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगाथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु को
पित मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उन्होंने दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और तीन दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाचक भी यह कहकर उनका उपहास करते थे। इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता, यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम उसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्थानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, या इलियास को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सर कंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख ले इलियास इससे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टाने फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर
बहुतों को दिखाए दिए। शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उठे, निश्चय यह ईश्वर का पुत्र था। वहां बहुत से स्त्रियां भी दूर से देख रहे थे। वे यीशु का सेवा सत्कार करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलीना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जबीदी के पुत्रों की माता थी। संध्या को जाने पर अरिमथिया का एक धनी सज्जन आया, उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छालटी के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाल में चट्टान में खुदवाया था। और वह कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलीना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाचक और फारिसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाए और जनता से कहे कि वह मृतकों में से जी उठा है। या पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होता। पिलातुस ने कहा, पहरा ले जाइए और जैसा उचित समझें सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाए और पहरा बैठा कर कब्र को सुरक्षित कर दिया। आइए हम अपना विश्वास अब प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टि करता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे प्रकाश ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार 3रे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है।
वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरितिक कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोड़ता हूँ। आमेन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपने एकलौते पुत्र के दुख भोग के फल स्वरूप तू हम पर शीघ्र ही प्रसन्न होते होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, अतः इस अनुपम बलिदान के द्वारा हम तेरी दया और क्षमा प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए दुख भोगा और कुकर्मियों के लिए मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर धर्मी बना दिया। इसलिए आकाश और पृथ्वी, दूतगण और महादूत इनकी स्तुति गाते हुए जय जयकार करते हैं। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से
पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन तुझसे निवेदन करते हैं तो या उपहार अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो इस जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपने कलीसिया के सुदीले तथा प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे मेरे खता बंगायों निहरना में पावितर मनाने कने मेरे खता बंगायों निगाइन चाहे कसे मेरे ओरे धर्मे बंगायो निघरी चारे कसे मेरे खनुमनी ओरे धर्मे बंगायो करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप फल लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप फल लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप फल लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने को उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे
पर तू केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। बलिदान में भाग नहीं ले सक रहे हैं, आप लोग मन ही मन अपनी आत्मा में इस प्रार्थना को दोहराते हुए प्रभु यीशु का स्वागत कीजिए। आइए इस प्रार्थना को हम बोलें, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। हे मेरे यीशु, मुझे विश्वास है कि अति पवित्र परम प्रसाद में तू सचमुच हाजिर है। मैं तुझे सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ अभी के लिए कम से कम मेरे दिल में आत्मिक रूप में आ क्योंकि संस्कार के रूप में अभी ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ मैं तुझे गले से लगाता हूँ मानो कि तू सचमुच में मेरे दिल में है और अपने आप को तुझसे पूर्णता संयुक्त करता हूँ तुझसे मुझे कभी अलग होने मत दे आमीन। आइए इसी के पीछे पीछे हम लोग कोरोना वायरस के प्रकोप का जो अनुभव हम कर पा रहे हैं पूरी दुनिया में, अपने इर्द गिर्द भी, तो
ऐसे समय में हमारी प्रार्थना बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इस प्रार्थना को भी हम लोग अभी बोलें, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, दुनिया के मुक्ति दाता, दुनिया के मुक्ति दाता, तू ही वह आशा है, तू ही वह आशा है, जो कभी निराश नहीं करेगा, जो कभी निराश नहीं करेगा, हम पर दया कर, हम पर दया कर, और हमें सभी बुराइयों से बचा, सभी बुराइयों से बचा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी कृपा हमें दे, अपनी कृपा हमें दे, जिससे अभी जो बीमारी फैल रही है, बीमारी फैल रही है, उसके प्रकोप से हम बच सकें, उसके प्रकोप से हम बच सकें। हे प्रभु, हे प्रभु, बीमारों को चंगा कर, बीमारों को चंगा कर, जो स्वस्थ है उनकी रक्षा कर, जो स्वस्थ है उसकी रक्षा कर, और उन्हें संभाल जो औरों की सेवा करते हैं, जो औरों की सेवा करते हैं, अपनी दया दृष्टि हमारी ओर फेर और अपने महान प्रेम में हमें बचा। हम यह मानते हैं तेरी माँ और हमारी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा जो बड़े विश्वसनीय ढंग से हमारा साथ देती हैं आमीन आमीन। आइए इस समारोह ख्रिस्त याद की अंतिम प्रार्थना अब हम करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस पावन भोज से तृप्त होकर हम सब विनय प्रार्थना करते हैं, जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रताप से हमें अपने लक्ष्य तक भी पहुंचा दे। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अपना सिर झुकाएं, विशेष आशीष ग्रहण करें। हे परमेश्वर, तू अपने परिवार की सुधि ले, जिसके लिए प्रभु क्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके थे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी डाले प्रभु की शांति साथ में रहे। परमेश्वर को जब तक